गाइस अभी मेरे को एक बहुत अच्छी दूर से एक अच्छा सा नज़ारा दिखा है, तो सोचा आपको भी दिखाता चलो। तो थोड़ा सा वॉक करने के बाद ये देखिए इधर, ये पास में ही एक छोटा सा गांव है। और ये महाराष्ट्र के हर एक गांव की जो सबसे अच्छी खूबी है ना कि एक खूब सुंदर सा मंदिर यहाँ पे जरूर होता है, बहुत अच्छा सा टेम्पल रहता है। देखिए एक गांव जो है उसमें चारों तरफ से पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक गांव है, वहाँ पे बीच में एक बहुत सुंदर सा मंदिर है जो काफ़ी मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। नेचर ने हम लोगों को कितना सारा गिफ्ट दिया है ना, हम इंसान इतने बुरे हो गए हैं कि हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। नेचर ने बहुत कुछ दिया लिटरली। ये जब पृथ्वी बनी होगी तो कितनी खूबसूरत होगी, इंसानों ने बिगाड़ के रखा। जो इंसानों की पहुंच से दूर है ना जो चीज़ें, वो अभी भी बहुत अच्छी है। पर चल के देखते हैं ऊपर क्या है, अच्छा ही होगा। थोड़ा से और हाइट के ऊपर आने के बाद व्यू और थोड़ा क्लियर आ रहा है। काफी अच्छी हमारी ट्रैकिंग हो रही है आज, मुझे एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा घर पे। फाइनली हम लोग अपने कार के पास आ चुके हैं, तो ये जगह याद रखिए चंदौली व्यू पॉइंट, यहाँ पे जरूर आइए कभी भी अगर आप सांगली या पश्चिम महाराष्ट्र के किसी आसपास जगह पे हो तो। हम लोग अभी पहुंचे हैं सांगली डिस्ट्रिक्ट में, ही एक चंदौली नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सह्याद्री व्याघ्र राखियो, मतलब यहाँ पे टाइगर भी है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो चौकी है यहाँ से हम लोगों ने पता किया, तो उन्होंने बताया कि ये मैटिंग पीरियड है, तो मैटिंग पीरियड में ये बंद रहता है और 15 अक्टूबर के बाद ये आम पब्लिक के लिए खुलता है। तो यहाँ पे स्टैचूज लगी हुई हैं बहुत सारी, ये गेट है, यहाँ से अंदर टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे अभी बताया गया जैसे कि यहाँ पे 4 बाघ हैं, और अभी बच्चे तो उनके नहीं देखे गए हैं लेकिन है यहाँ पे टाइगर्स। ओके सो यहाँ पे जब अंदर जाना अलाउड नहीं है तो हम लोगों ने आसपास थोड़ा सा फोटो वोटो लिया और उसके बाद हम जा रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे लौट के हम लोग जरूर आएंगे। यहाँ पे अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, तो गाड़ी ले जाके हम अंदर घूम सकते हैं। कोर एरिया में तो अलाउड नहीं है, लेकिन आउटर जो कोर एरिया है वहाँ पे हम लोगों को जाना अलाउड है, तो यहाँ पे हम लोग जरूर आएंगे।